हेलो स्टूडेंट्स, सुहज आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 20 की, जो 1908 को रिलीज़ हुई है क्लास ए 10 साइंस की, हिंदी मीडियम की। उसके अंदर हम विद्युत जो है उसका आगे का पार्ट करेंगे। विद्युत के आगे के पार्ट में हम प्रतिरोधकों का जो संयोजन है वो करेंगे। तो प्रतिरोधकों का संयोजन दो तरह में होता है, एक तो श्रेणी क्रम में और एक पार्श्व क्रम में। श्रेणी क्रम में हम उनको एक के साथ एक लड़ी के अंदर जोड़ते जाते हैं, जैसे माला के अंदर मोती पिरोए जाते हैं। और पार्श्व क्रम में क्या होता है, उनको अलग अलग मतलब एक दूसरे के सामने लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपने जो नोट करना है वो है फॉर्मूला, ये वाला श्रेणी क्रम के लिए और पार्श्व क्रम के लिए ये वाला फॉर्मूला। दैट इज श्रेणी क्रम में हम बोलते हैं R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, कितने भी हो सकते हैं, n हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है, श्रेणी के अंदर जो आपका आप बोलते हैं कि विद्युत धारा जो है, ठीक है, वो बदलती है। ठीक है, और जो आपका पोटेंशियल अंतर होता है, ठीक है, जो पोटेंशियल अंतर यहाँ पे होता है वो से आपका वैसा ही रहता है, वो नहीं बदलता है। ठीक है, दूसरा आपके यहाँ के अंदर जो विद्युत धारा विभिन्न वैद्युति जो है वो बदलती है, या क्योंकि जो हमने पहले पीछे किया था, यहाँ पे जो आपका आई है वो बदलेगा और यहाँ पे आपका वी है वो बदलेगा। यहाँ पे आई जो है वो सेम रहता है, यहाँ पे वी जो है वो एक जैसा रहता है। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं, जो आपको नीचे एक उदाहरण दी हुई है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, ठीक है, एक आपको प्रतिरोध ये दे दिया, एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। ठीक है, इनको संयोजित किया गया है, प्रकलित कीजिए पहला कि कुल प्रतिरोध कितना है। तो आप 20 ओम प्लस 4 ओम कर दीजिए, आर वन प्लस आर टू सीरीज आपका श्रेणी के अंदर है, तो आपका टोटल जो है कुल जो प्रतिरोध है वो आ जाएगा 24 ओम। उसके बाद में बैटरी के टर्मिनल के बीच का जो विभांतर है, विभांतर यानी कि वी की वैल्यू आपने निकालनी है, वो हमें 6 ओम दिया हुआ है, और वी की वैल्यू से आप ओम का जो नियम है वो लगा के आई निकाल सकते हो। दैट इज आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, आई क्या होता है, वी बाई आर के बराबर होता है। तो यहाँ से 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 24 ओम किसके इक्वल हो गया, 0.25 एम्पीयर, जो आपका उत्तर आ गया। दूसरे की बात करते हैं, तो नीचे जो आपको चित्र दिया गया उसमें प्रतिरोधकों को लगाया गया है, एक 5 ओम का है, आर टू आपका 20 ओम का है, आर थ्री आपका 30 ओम का है, और वी की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है 12 ओम। ठीक है, 12 वोल्ट आपको दी हुई है, हमने परिपथ का कुल प्रतिरोध पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो है पार्श्व क्रम में इनको लगाया गया, तो पार्श्व क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सबको आप जोड़ोगे, उनका एलसीएम लोगे, तो आपके पास उत्तर आएगा 3 ओम। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं जो आपको अभ्यास के प्रश्न दिए हैं उनमें। उसमें पहला प्रश्न है आपका कि एक 9 वाट की जो बैटरी है वो इतने सारे जो आपके प्रतिरोधक हैं उनके बीच में लगाई गई है, श्रेणी क्रम के अंदर लगाई गई है, तो 12 ओम प्रतिरोध के बीच कितनी धारा प्रवाहित होगी वो लगाए हमने निकालनी है। ठीक है, उसके लिए ये देखिए, पहले हम टोटल आर निकालेंगे, कुल आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कुल आर क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, यहाँ पे हम कुल आर निकालेंगे, कुल आर किसके बराबर होगा, सबको जोड़ दो जितने भी आपको प्रतिरोध दिए हुए हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.4 ओम। उसके बाद में वी की वैल्यू आपको 9 वोल्ट दी हुई है, 9 वोल्ट, तो आई क्या आएगा, वी बाई आर यानी कि 9/13.4, तो 0.67 एम्पियर आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद में आपको जो उदाहरण दो दी गई है दूसरे क्वेश्चन के अंदर, उसी का जो बी और सी पार्ट है उसको कैलकुलेट करना है, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा हमने निकालनी है कि हर एक प्रतिरोध में से कितनी धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है, और परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा जो है वो हमने निकालनी है। उसके लिए देखते हैं, उसके लिए हमारे पास देखो, हमें R1 की वैल्यू दी हुई थी, R2 की और R3 की, और V की वैल्यू दी हुई थी। तो पहले V को 5 से डिवाइड करोगे तो I1 आ जाएगा, फिर V को 10 से डिवाइड करोगे तो I2 आ जाएगा, फिर V को 30 से डिवाइड करोगे तो आपका I3 आ जाएगा, और इन सबको आप जब मिला दोगे तो आपकी कुल जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो आ जाएगी, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, ये हो गए दो क्वेश्चन हमारे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए प्रतिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा यदि चित्र ए में प्रत्येक प्रतिरोधक 1 ओम का है और चित्र बी में प्रत्येक प्रतिरोध जो है 3 ओम का है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग लगेंगे, आपका श्रेणी भी लगेगा और पार्श्व क्रम भी लगेगा। तो उसके लिए देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको, पहले 1/Rx निकालेंगे हम। ठीक है, x वाला तो तीनों को ऐड कर देंगे, एक एक वाले को तीनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास। तो 1/Rx किसके इक्वल आ गया, 1/3 के। ry कितना आएगा, 1 ही आएगा जितना आपको दिया हुआ, और RZ कितना आएगा, फिर 1/3 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं टोटल की, तो टोटल में हम RX प्लस RY प्लस RZ को है
कुल निकालना है तो इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे आपस में, तो 5/3 यानी कि 1.66 ओम हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी के बी पार्ट की बात अगर हम करते हैं तो आर एक्स कितना आया, 3 + 3 6 ओम हो गया, ठीक है, और आर वाई हमें 6 ओम दिया हुआ है, तो आर एक्स प्लस आर वाई 1/6 + 1/6 कितना बन गया, 1/3, तो आर इक्विलेंट जो है यानी कि कुल प्रतिरोध जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 3 ओम के इक्वल आ गया, ठीक है। अगली बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की कि 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत में संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, यानी कि इसने बता हमें बताना है कि 176 ओम प्रतिरोध के हमने कुल कितने जो प्रतिरोध हैं वो लगाने हैं। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है I की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर, V की वैल्यू दी हुई है 20 वोल्ट, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, V बाई आई करोगे तो R की वैल्यू आ जाएगी, R इज V बाई आई, तो 220/5 = 44 ओम, ठीक है। तो उनको पार्श्व क्रम में लगाना है, तो पार्श्व क्रम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये वाला, यहाँ से N आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/R जो है वो हमारा N/R के इक्वल हो गया, ठीक है, या 1/ER इक्विलेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास N की वैल्यू आ गई R/R इक्विलेंट, 176 को 44 से भाग कर देना तो N की वैल्यू आ जाएगी 4, तो हमें कितने प्रतिरोधक चाहिए, 4 प्रतिरोधक यहाँ पे चाहिए। तो यह था हिंदी मीडियम में वर्कशीट नंबर 20 का सॉल्यूशन क्लास 10वीं विज्ञान के लिए।